बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मत मुसलमान को और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माह रमज़ान का महीना जो है वो काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए हमारी जामिया मस्जिद तलाब कटिका में भी इंशाल्लाह हमारी जो है सहरी भी है और इफ्तारी भी हमारी इंशाल्लाह हो जाएगी। हमने ये पहले जैसे पिछले साल से भी हुआ था और इस साल भी इंशाल्लाह हमारा जो है सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जो है वह लगातार सिलसिला चलता रहेगा। और उसके बाद जो यहाँ ये सहरी इफ्तारी जो है गरीब लोग जो है जिनके पास जो अफोर्ड नहीं करते सहरी इफ्तारी का, जो मजदूर लोग हैं, जो बेचारे मांगने वाले, वो भी रोजा रखते हैं। ये नहीं कि इंसान इंसानियत का तकाजा है हमारा, तो हमने ये तय किया है, मशवरा है, पिछली साल भी हुआ था, आज भी हुआ, तो ये है कि हम ये काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली दुआएं ही चाहिए। जो दूर दूर इलाके से आते हैं, जैसे पूंछ, जोरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोग और दिल्ली, यूपी, बिहार से भी लोग यहाँ पर आते हैं, सफीर भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनका ठिकाना जो है यहाँ पर अल्लाह का घर है, ठिकाना यही है। तो इंशाल्लाह हमने यही सहा कि यहाँ से इफ्तारी और सहरी का इंतजाम मुकम्मल हो, पूरी तरह हम करेंगे इसका। और जो बेचारे हॉस्टल में बैठे हुए हैं, जो हॉस्टल में वहाँ पर है, उनको भी हम पैकेज करके हम इफ्तारी और सहरी का इंतजाम जो है वहाँ पर पहुँचा देंगे। मेडिकल कॉलेज हो, वो कहीं भी हो, और भी जगहें जो है जहाँ जहाँ जो जो घर है जिनके पास सहरी इफ्तारी का, वैसे हमने राशन जो है दे दिया है एक महीने का, और एक महीने का और भी देंगे, और उसके मजीद जो है सारा जितना भी जो हमारी जामा मस्जिद तलाब कटिका की मरकज मस्जिद जो है हमारी यहाँ पर, यहाँ से इसका जो इंचार्ज है वो मेरे पास ही, मुझे ही रखा गया है, तो बारी सारा कुछ ऊपर का निज़ाम जो है वो सारा कुछ मेरे पास ही है। इंशाल्लाह ये निज़ाम इंशाल्लाह हम आगे तक पूरे रमज़ान के लिए चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।